देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी के एनवे पदों का योगफल यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, एन पदों का योगफल दिया है, एन पदों का योगफल कितना दिया है, एन पदों का योगफल दिया है 3n² + 5n। तो इसके एमवा पद 164 है, तो एम एम पद एम का मान निकालना है। ठीक है, तो पहले सब लोग एपी का एनवा पद निकाल लेते हैं। ठीक है, एनवा पद निकालेंगे तो एमवा पद भी एक ही बात है, एनवा पद निकालेंगे तो इनके जगह एम रख देंगे, कोई फर्क थोड़े पड़ेगा। चलिए, या हम लोग यहीं से एमवा पद इसको लिख दो, एमवा पद क्या हो जाएगा, तो 3m² + 5m, एम पदों का योगफल हो गया यार। ठीक है, एन पदों का योगफल दिया है तो यहाँ से एम पदों का योगफल यह हो जाएगा, एम पदों का योगफल यह हो जाएगा। अब एस एम माइनस वन निकालो, 3 × m के जगह m माइनस वन आ जाएगा, 5 × m - 1 हो जाएगा। समझ गया ना, मैंने पहले m पदों का योगफल से अब s m माइनस वन वा पद निकालते हैं, s m माइनस n यानी कि m माइनस n पदों का योगफल निकालते हैं, 3 × इसका फॉर्मूला लगाओ m² - 2n + 1 + 5m - 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका मैंने फॉर्मूला लगा दिया, समझ गया ना, इस m माइनस वन का होल स्क्वायर m² - 2m + 1। अब इसमें इंटू करते हैं, 3m² - 6m, 3 × 6 हो जाएगा, और आपका प्लस का 3 + 5m - 5, तो आ जाएगा 3m² - m और - 2, यहाँ घटेगा ना जी। चलिए, तो ये s m माइनस n आ गया, m माइनस n पदों तक का योग आ गया, तो हमें इसका mवा पद निकालना होगा, यानी कि s m माइनस में s m माइनस 1 हो जाएगा, इसीलिए मैंने यह निकाला था ऊपर। तो एमवा पद यहाँ पे 3m² + 5m दिया है, और sn - 1 दिया है आपके, sm - 1 दिया है यहाँ पे 3m² - m और - 2। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ am बराबर में आ जाएगा 3m² + 5m - 3m² + m - - ये + m हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो mवा पद इसका कितना आ जाएगा, 6m + 2, 6m + 2 आ गया। अब इसका हमारे पास एमवा पद ऊपर दिया है 164, चूंकि आपके पास एमवा पद कितना है 164 है, तो यहाँ 6m + 2 = 164, तो यहाँ से 6m = हो जाएगा 164 में से 2 घटा देते हैं, 6m = 162, यानी कि m = हो जाएगा 162/6, 6 × 12 = 6×7 = 42, एम का मान यहाँ से 27 आ गया। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन है आपके, देख ही रहे हैं। तो ये आपके एपी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, अब इसके बाद आगे जो क्वेश्चन दिए है ना अर्थमैटिक मीन से रिलेटेड है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको करना क्या होगा, हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पहला है आपका पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, और दूसरा है भारती भवन रवि कांत सर, भारती भवन रवि कांत सर, और तीसरा चैनल है रवि कांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इससे रिलेटेड लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, और इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikantsir.in पर जाएंगे, और वहां से आप सभी क्लासेस को नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और उसे शेयर भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।